और ये ख़ास अल्लाह का मुआवज़ा है कि इतनी गोलियाँ लगने के बावजूद कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो गोलियाँ थोड़ी इधर उधर हो जाती तो शायद बहुत ज़्यादा लोग जान खो बैठते तो मैं आज अपने सारे जो जो आज यहाँ आए हुए हैं वज़ीराबाद में आपके लिए भी और जो भी मेरे पाकिस्तानी देख रहे हैं मैं आपको आप सब के को मु, मुखातिब हूं सबसे पहले यह जो हादसा हुआ यह जो हादसा नहीं ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई मैं फिर पहले वाजे कर दूं कि यह सितंबर में प्लान बना था सितंबर में प्लान बना था 24 सितंबर को इस प्लान का Uh, मैंने पब्लिक जलसे के अंदर मैंने ये बताया कि ये प्लान बना है मेरे ख़्याल में जलसा रहीम और खान था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे प्लान बना था एजेंसी ये जो जनरल फैसल इसने और ये जो दो नून लीग के जो कातिल हैं मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किए लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल किए लोगों को गोलियां मरवाई पुलिस से शबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग पुलिस मुकाबले में लोग मारे इसकी ह्यूमन राइट्स ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी हुई है राना सनावला के ऊपर जो अठारह कतल हैं ये आबिद शरीर के बाप ने कहा हुआ है तो ये कातिल है इन्होंने मिल गए ये जनरल फैसल के साथ इन्होंने ये प्लान किया प्लान क्यों किया कि अगर दीनी इंतहा पसंद मारेगा तो इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तोहन मज़हब किया कोई उसने तोहही रसालत खुदा नास्ता ना की उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया ये सारा प्लान था हमें पता था मैंने दो जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं और ये प्लान फिर वजीराबाद में सामने आया और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दिन ही इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा और फिर जब ये हम हमें हमें पता था क्योंकि मुझे तो पता था पहले एकदम इधर से गोलियां आई फिर दूसरी तरफ से आई ये भी कहा गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक औ, औ, और वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था और अब जब फॉरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का तो वाजे हो गया कि दो मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई यानी दो शूटर थे तो जो सारा इनका प्लान बना हुआ था कि सलमान तासीर का कत्ल हुआ तो इंतहा पसंद ने किया वह सारा वो खत्म हो गया अब दूसरी चीज के आज मैं खास तौर पर एक तो इब्तसाम को जो माशाल्लाह एक हीरो है क्योंकि मैंने जब उसकी फुटेज देखी कि एक आम आदमी देख रहा बंदूक उसके हाथ में है और उसके बावजूद वो पकड़ रहा है मैं तो पहले उसको सलाम करना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है यानी ऐसे हमारे नौजवान हैं जो कि अपनी जान खतरे में डाल के और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे तो मैं तो इसको आ, आ, अब मैं क्या कहूँगे शुक्र है मैं तो इसकी वालदा का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे अपने बेटे को तरबियत किया दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रेजडी थी वो मौज़म शहीद की थी और वो हम सबसे देखी नहीं गई वो तस्वीरें कि तीन बच्चे उसके बैठे हुए हैं और बाप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी उन उन बच्चों की सारी ज़िंदगी तक लेंगे अब मैं अपनी सारी कॉम से जो दो तीन आज बातें करना चाहता हूँ पहले तो ये अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं वो इंशाल्लाह और ज़ोर पकड़ेगी क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ मैं अब मेरे जहन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे हम हकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे और हम हकी तौर पे जब तक आज़ाद नहीं होंगे ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं लेकिन जो दुनिया का माशरा तरक्की करता है सबसे पहले इंसाफ कायम करता है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया फिर उसके बाद खुशहाली आई अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है और क्या हुआ इसके बाद जो जो मुझे पता है ये मेजर जनरल फैसल इसके पीछे था मुझे पता है कि जब से मेजर जनरल फैसल आया और साथ इसके फहीम आया है इन्होंने तब से हमें इस तरह दहशत गर्दों की तरह इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया ये हमें पता है इनकी बैकग्राउंड क्या है बलूचिस्तान में इन्होंने दहशत गर्दों को कहते थे जी बड़ा ये तकड़े हैं अल्लाह माफी दे कि अगर ये इस तरह के लोग हैं दहशतगर्दी कम नहीं होगी इन इनके हरकतों से दहशतगर्दी बढ़ेगी जो हमारे से इन्होंने किया है जो सहाफ़ियों से किया है जो अरशद शरीफ से इन्होंने किया है अरशद शरीफ की मुझे पता अर्शद शरीफ जब मुझे कह रहा था कौन कौन उसको धमकियां दे रहा था जो मुल्क से बाहर गया है। और अर्शद शरीफ में बाद में बात करूंगा उससे पहले आजम स्वाति से जो इन्होंने किया ये जब से ये आया मेजर जनरल फैसल तब से सहाफियों को सोशल मीडिया को टी चैनल्स को धमकियां के जी इमरान खान की प्रोजेक्शन नहीं करनी और तब से इन्होंने फैसला किया कि ये अब हमें जिस तरह दहशत गर्दों को खौफ दिलाते हैं दहशत दिलाते हैं वो इनको उन्होंने हमारे साथ किया ये जो एफ आई आर रजिस्टर नहीं हो रही मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा हूं मैं अपनी एफ आई आर रजिस्टर नहीं कर सका क्योंकि मेजर जनरल फैसल का नाम आ गया यह कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर पाकिस्तान के कानूनी लगते हैं डीजीआई आई एस पी आर कहता है कि जी हमारी फौज की तोहहीन होगी फौज की तोहिन तब होगी अगर फौज एक्शन नहीं लेगी तोहिन तब होगी जब एक इदारा अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा जब वो ये करेगा कि प्राइम मिनिस्टर का अगर एफ आई आर रजिस्टर्ड नहीं होती मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में एक आम आदमी से जब कोई जुल्म करते होंगे ये लोग तो वो क्या करता होगा वो किधर जाता होगा और ये जब तक ये जंगल का कानून रहेगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता हम आजाद नहीं हो सकते इंसाफ हकूक देता है हकूक इंसान को आजाद करते हैं यहां तो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर के हकूक नहीं है मैं एफ आई आर रजिस्टर नहीं कर सकता इस मेजर जनरल फैसल पे इनके ऊपर नहीं कर सकता ये जो जो प्राइम मिनिस्टर और ये जिन्होंने मैं फिर से कहूं मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया था जिनकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की कहानियां हैं अगर इनके ऊपर हम नहीं कर सकते तो फायदा क्या क्या वो वो जो लड़का वो जो जिसने अपने बयान बदले हैं और क्या वो लगता था दीनी इंतहा पसंद उसे जरा देखें क्या वो उसकी बैकग्राउंड है क्या वो इतना कोई दीनी आदमी लगता था कि वो जाके किसी को गोली मार देगा और उसको जिस तरह तोते की तरह पढ़ाया गया है। सबक पढ़ाए गए और फिर जैसे ही पता चला और जो हम सब ने हमने तो ऊपर से हमारे गोलियां गुजरी हैं कि जैसे ही वाजह हो गया कि दूसरा शूटर था इसका मतलब ये जो सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था सितंबर में कि दीनी इंतहा पसंद इमरान को कत्ल करेगा क्योंकि उसने तोहन कर दी वो सारा खत्म हो गया और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातफ करना चाहता हूं देखिए सर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान पे कौम आपकी तरफ अब आप देख रही है कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता जो उसका हक है इन्वेस्टिगेशन हो उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं मैं आपने सारे जो मुझे पूरा पता है कि यह प्लान कब से बना कैसे बना वो वीडियो किसने निकाली किस, किस एजेंसी ने वो वीडियो निकाली कौन से एजेंसी के साथ ये जो वकार सती है इसने उसको उठाया फिर किस तरह वो पीटीवी ने चार दिन चलाई अब पीटीवी टी चार दिन इस तरह की चला रहा है वीडियो इश्तियाल देने के लिए और प्लान करने के लिए कि जब ये कत्ल करेंगे तो कहेंगे जी तो इसने बड़ी तोहिन कर दी मजहब की और उसके बाद ये जो नून लीग की ये जो वो दोनों मरियम दोनों झूठी और फिर ये जो जावेद लतीफ इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मैं तब से लगा हुआ हूं कहने कि इनका प्लान बना हुआ था कुछ और इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है चोरों को दीन से ताल्लुक नहीं होता चोरों को सिर्फ चोरी बचाने से ताल्लुक होता है जब चोर दीन की बातें शुरू कर दें कि जी दीन से तोहिन होगी तो पीछे कोई और गेम थी और वो वाजें थी और इनके साथ मिल गया था ये मेजर जनरल फैसल और इसकी टीम ने पूरी तरह ये सारा कुछ इन्होंने प्लान किया सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक गया और अल्लाह का कर्म है जिंदगी मौत जिसके हाथ में है वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूँ उसने बचा लिया और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूँ साहेब कि आप आप इसके ऊपर एक्शन लें कौम आपकी तरफ देख रही है यहाँ शबाज गिल के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर हुई, हुई जब से ये फैसला आया और वो शबाज गिल इसका नाम लेता है इसके नीचे लोगों ने की कुछ नहीं हुआ यहां आजम स्वाति से जो कस्टोडियल टॉर्चर हुई उसके जो किया सारी दुनिया में बदनामी हुई पाकिस्तान की कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया और जब आजम स्वाति की वो जो वीडियो के सेट निकला है, एक यानी मुल्क सोचता है कि हम इससे नीचे गिर सकते हैं मैं चीफ जस्टिस साहब पूछता हूं इससे नीचे गिर सकती है कौन हमारी तो है ही इस्लामिक सोसाइटी मैं मगरबी को के अंदर अंदर से जानता हूं वहां को तस्वर नहीं कर सकता कि इस तरह की वीडियो निकाल के और उसकी बीवी को भेजें तो हम कितना नीचे गिर चुके हैं कब आप इस मुल्क का इंसाफ का निजाम हमें प्रोटेक्शन देगा हमारी हिफाजत करेगा वो कब वो वक्त आएगा और ये अगर गोली कामयाब हो जाती ये मुझे मार देते तो मुझे बताएं एक ही तो जमात है इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी पब्लिक के अंदर है फेडरल पार्टी है तो इनका तो प्लान ये था कि वो तर हो जाए तो ये तो दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान के तो इसलिए हम मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि चार चीजें चीफ जस्टिस साहब आपको देखनी पड़ेंगी मेरी एफ आई आर और अब वाजे हो गया कि दो शूटर हैं क्योंकि वह उस में निकला है तो इसका मतलब जो उन्होंने कहा था एक ही आदमी ने और दीनी इंतजार पसंद वो खत्म होगी बात नंबर टू आजम स्वाति इसके ऊपर पूरी तहकीकत हो और नंबर तीन जो अरशद शरीफ से हुआ जो अरशद शरीफ से हुआ है जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल मेरा पहला सवाल यह है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट मांग रही है उनके पास तो नहीं आई टीवी एंकर के पास कैसे आ गई और मेरा नंबर टू सवाल यह है कि कौन इसकी तहकीकत करेगा कौन अब कीनिया से पूछ क्यों नहीं उन्होंने फौरी तौर पर लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान यह था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पर मारा गया है और अब वाजे हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद किया इसके ऊपर उसके बाद गोली मारी गई तो जब तशद किया वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से उसकी तहकीकत उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कौन था जिसको खतरा था उससे कौन था जिसको इतना गुस्सा था कि पहले उसके ऊपर तशद करो फिर उसको कतल करो यह चीफ जस्टिस साहब यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है हमें कोई इतमाद नहीं है अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ इन इन कातलों के इन चोरों के मुजरमों के हाथ में है और ये जो आर्मी ऑफिसर है इसके ऊपर किसको अब इतमाद है मुझे पता है इन्होंने कवर अप कैसे किया मुझे पता है कि आते साथ ही पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट हमारी है हम है पंजाब के अंदर आ, हमारी हुकूमत है वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है और अब पुलिस से हम मैं एफ आई आर नहीं रु, रुकवा सकता और फिर कौन से किसने जाके उसकी टेप्स रिलीज की ये कौन सी दुनिया में होता है हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं बनाना रिपब्लिक के अंदर कोई उधर कोई इंसाफ नहीं होता इसलिए वो बनाना रिपब्लिक है वह जंगल का कानून होता है और ये जंगल का कानून बनने जा रहा है और इस वक्त मुल्क को बचाना है आपने देखिए मुल्क इस वक्त इधारों के अंदर जो है वो इदारों के अंदर एतम खो बैठी है इसको बहाल करने की जरूरत है मुल्क इदारों के बगैर नहीं चलता इदारे मुल्क को चलाते हैं। मगरब में और हमारे इधारे मजबूत है कि उनके इदारे हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं है यहां मजाक बना हुआ है कि जी एक, एक आपने ऑफिसर के ऊपर हाथ रखी डीजी सारी फौज को बदनाम कर दिया यानी यह अगर सोच आ जाए जिस माशरे में मुझे बताएं उससे ज्यादा तो दुश्मन इदारों का और मुल्क का हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे इदारे का नाम ही ना ले मैं कह रहा हूं कि ये पीछे था फैसल मुझे पता है इसने सारा करवाया है। मुझे पता है इसने मास्टर माइंड किया सब कुछ क्योंकि मुझे तो मैं साढ़े तीन साल प्राइम मिनिस्टर था मेरे नीचे थी एजेंसीज मुझे पता है कैसे चलती है एजेंसीज मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही थी और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर एफ आई आर रजिस्टर नहीं कर सकता और अगर यह कहना कि जी इमरान अपना सियासत चमकाने के लिए कर रहा है मुझे चमकाने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर कहीं चले जाए एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में वो आज ये पार्टी है और वह यह नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं वो इन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है और इसीलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं ताकि मेरी सियासत ऊपर चली जाए यह मुल्क का मसला है और चीफ जस्टिस साहब ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है और ये फ्यूचर आपके हाथ में है इस मुल्क की अदलिया के ऊपर सारी कौम देख रही है इस वक्त लगता ही है कि बस एक ये जो चाहेगा ये फैसल जैसे लोग जो चाहेगा इनके सामने कोई कोई अब कोई खड़ा ही नहीं होता और ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है मुल्क तब तकड़े होते हैं मैं फिर से आपको कहूं जिधर कानून की हुक्मरानी होती है और मैं आखिर में मैं खास तौर पर पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह वो खड़े हुए हैं और मुझे खुशी ये है कि वकला ये समझ गए हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ कानून की हुकमरानी कायम करना पाकिस्तान की वक्ला कम्युनिटी की जिम्मेदारी है और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में हर वो आदमी जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है और रूल ऑफ लॉ के बाद ही हक, हकीकी جمہوریت आती है और हकीकी جمہوریت ही हकीकी आजादी होती है ये सब इकट्ठे चलते हैं इस वक्त कुछ भी नहीं है यहां तो मैं वक्ला के ऊपर भी आज उनका शुक्रिया अदा करने के, के बाद मैं उम्मीद लगाता हूं कि आप अपना रोल प्ले करेंगे और मैं अपने सारे जो जो आज लोग आए हैं और जो आज जिधर से हमारी मार्च शुरू हो रही है मैं आज सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए ये अब ये इमरान खान के लिए नहीं हो रहा सब कुछ ये आप सबके लिए हो रहा है ये इस मुल्क के मुस्तबिल की जंग है ये इस कौम ने जीतनी है आज़ादी कौमें अपनी आज़ादी की जंग जीतती हैं इमरान खान तो अपनी मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं लेकिन आप सब ने इसमें शिरकत करनी है क्योंकि मुस्तबिल आपका है और आपके बच्चों का है और जब तक कि एक कौम अपनी आजादी छीनती नहीं है आजादी कोई प्लेट में नहीं देता तो इसके लिए जद्दोजहद की जरूरत है मैं तैयार हूं जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसकी पूरी जद्दोजहद करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और मैं इन शाह पिंडी पहुंचूंगा और जब ये काफिला इंशाला पिंडी पहुंचेगा मैं इनको वहाँ रिसीव करूँगा और मैं सारे पाकिस्तान से अपने लोगों को इन्वाइट करूंगा सबको कहूँगा आए क्योंकि ये इस वक्त जो इस मुल्क की हकीकी आज़ादी में शिरकत नहीं करता वो याद रखें कि वो अल्लाह ने हमारे दीन के अंदर यह हमें हुक्म दिया है कि जुल्म और ना इंसाफी के आप मुकाबला करो जिसको कहते हैं जहाद ये अल्लाह का होता है आजादी के लिए खड़े होना ये अल्लाह का हुक्म है हमें और अमर बिलमूफ कि आप अच्छाई के साथ खड़े हों ये जो चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं और ऊपर बैठ गए हैं कौम ने कौमी चोरों के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ लड़ती है कोई एक आदमी नहीं कुछ ठीक कर सकता तो मैं सारी कौम को आज दावत देता हूं कि हमारे साथ इस मार्च में शिरकत करें और इन जब मैं पिंडी जिस दिन हम मैं आपको दावत दूंगा आपने सब ने पिंडी आना है इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए शुक्रिया